हेलो, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? सही हूँ, बहुत अच्छा। मार्केट थोड़ा गिर रहा है, इसलिए थोड़े लोग नर्वस आ गए हैं। उनको स्ट्रेंथ चाहिए, इसलिए उसके रिलेटेड कुछ अगर है तो बताइए, कुछ करते हैं। सर, स्टॉक के बारे में तो डेली हम लोग बताते हैं कि कौन से स्टॉक्स को लेना चाहिए, कौन से फंडामेंटली अच्छे कंपनीज हैं, किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आज क्यों ना हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें हाँ, क्या? ये बात आपने सही कही, क्योंकि मार्केट जब गिरता है तो इन्वेस्टमेंट करना सही रहता है। जी, तो चलिए आज म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं। तो हाँ जनरली म्यूचुअल फंड सर्च करने के लिए मुझे सबसे अच्छा जो लगता है वेबसाइट, वो है वैल्यू रिसर्च का। तो ओके, डिस्क्रिप्शन ये लिंक हम क्या करेंगे, में डाल देंगे। तो वहाँ से डायरेक्ट इस यहाँ पर आप आ सकोगे। तो म्यूचुअल फंड के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और देखा जाए तो वो भी एक बड़ा चैप्टर है। लेकिन कुछ सवालों को जवाब हम दे सकते हैं, कुछ चंद सवाल हैं जिसमें आपको ओवरऑल क्लियर हो सकता है। तो कुछ सवाल लोगों का लेके आए हैं हमारे मैडम ट्विंकल जी, और हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर सही तरह से डिस्कशन करें, जिससे आपको कुछ सीखने के लिए मिले और इन्वेस्टमेंट के लिए अभी जो सही समय है आपको कुछ अच्छा म्यूचुअल फंड मिल जाए। राइट जी सर, करेक्ट सर। सर देखिए क्या होता है ना कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि म्यूचुअल फंड अगर वो लेते भी हैं तो उसमें वो SIP करें या लमसम करें। तो आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए, SIP सही है या लमसम सही होना चाहिए? देखिए, मैं तो बोल दूंगा कि SIP सही है या फिर लमसम सही है, लेकिन लोगों के पास पैसा कैसे आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे अगर 3-4 महीने में एक बार पैसा मिलता है, मैं बिजनेसमैन हूँ, तो 4-6 महीने में एक बार पैसे मेरे पास जमा होता है, तो मैं SIP में नहीं जा सकता, मैं लमसम ही करूँगा। और अगर किसी का सैलरी मोड में आ रहा है तो SIP सही रहता है। और दोनों को रिलेट किया जाए तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर SIP में ही अच्छा पैसा बनता है। लेकिन आप अगर प्रोफेशनल हो, आपको पता है कि सेक्टर का मूवमेंट कैसा है, कोई सेक्टर गिरा हुआ है और अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं, तो कुछ कुछ जगह पे लमसम भी करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया कि हम अगर युद्ध में जा रहे हैं, तलवार लेके जाना अच्छा रहेगा या फिर हमारा धनुष लेना सही रहेगा। दोनों सही है, देख के जगह देख के वार करना होता है। जी सर, मतलब कि आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो लोग सैलरीड पर्सन है, जिनका मंथली सैलरी आता है, वो SIP करें। करेक्ट। और जो जिनका बिजनेस है, जिनका 5-6 मंथ में एक बार लार्ज अमाउंट आता है, तो वो लमसम की ओर जा सकते हैं। सही है, करेक्ट सर। सही है, सही है मैडम। जी, थैंक यू सो मच सर। सर, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा रहेगा, रिटर्न वाइज ये कैसे सिलेक्ट करना है? हाँ, तो पहले तो हमको ये कैटेगराइज करना है कि कितने सालों से कौन सा अच्छा रिटर्न दिया है और आने वाले सालों में कितने साल तक हम होल्ड करेंगे। अगर 1-2 साल के लिए करना है तो हमें टॉप परफॉर्मिंग अभी के लिए लेना पड़ता है म्यूचुअल फंड्स। लेकिन अब हम अगर सोच रहे हैं 5-10 साल के लिए होल्ड करेंगे, तो इस साल में जो ज़्यादा रिटर्न दिया है उसमें इन्वेस्ट करने से आपको लंबे समय में ज़्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं होता। तो आपको थोड़ा उसी तरह 10 साल पीछे देखना होता है। सही है, तो जी अगर जी लंबा आप सोच रहे हैं आने वाले 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो 10 सालों में जो अच्छा रिटर्न्स दिया है वहाँ पर, तो ये टूल आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा टूल है वैल्यू रिसर्च का। यहाँ पर अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो 10 ईयर में सबसे ख़राब जिन्होंने रिटर्न्स दिया है उनके नाम आ रहा है। क्या है, कमोडिटी गोल्ड में हो सकता है गोल्ड 50,000 हो गया है 10 ग्राम्स का, लेकिन 10 ईयर्स में देखा जाए तो वो उतना ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिया है। 10 ईयर्स पहले मतलब 2010-11 में वही आपको 30,000 के आसपास मिल रहा था, तो ऑलमोस्ट डबल ही हुआ है। राइट, तो उसी हिसाब से देखा जाए तो गोल्ड उतना ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिया है। अगर परफॉर्मिंग के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सेक्टर ग्रोथ हुआ है वो है टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर। राइट, उसी सेक्टर जी में ग्रोथ हुआ है, तो ये परफॉर्मिंग रहा। लेकिन मैं सेक्टरल फंड आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा। इसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो एडवाइज़र की सलाह लें, और अगर अभी देखें तो 2-3 सालों में टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ा है, तो अभी आपको थोड़ा महंगा भी मिल सकता है। और आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का बहुत ही वास्ट एरिया है, बहुत आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन आपको सलाह लेनी चाहिए। लेकिन 10 सालों में अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत अच्छा ग्रोथ आया है, तो ये एक बकेट हो सकता है जहाँ पर आप पैसा डाल सकते हो। तो मैं पर्टिकुलर एक म्यूचुअल फंड पे नहीं जा रहा हूँ। अगर आपको पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड देखना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिंक है, राइट क्लिक किया, टैब ओपन किया,
तो यहाँ पे आ गया जो भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उसका लिस्ट आ जाएगा। बहुत अच्छा टूल बनाया है यहाँ पे। तो ये आ गया आपका सारे अच्छे म्यूचुअल फंड जो स्मॉल कैप में है, और उसके बाद इसके रिटर्न वाइज आप चेक कर सकते हो। जनरली रिटर्न वाइज देख के आपको चेक करना नहीं चाहिए, रिटर्न वाइज हम सिर्फ परफॉर्मेंस देखते हैं कि नहीं इन्होंने कैसे परफॉर्म किया है, लेकिन आने वाले समय में कैसा परफॉर्म करेगा वो पीछे के रिटर्न्स के हिसाब से नहीं देखा जाता। ठीक है मैडम। जी सर, मैं कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ रही थी। अभी जैसा आपने आईटी सेक्टर के बारे में बात किया कि पिछले 10 साल में आईटी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, तो मैं अपने व्यूअर्स को सर ये भी बताना चाहूंगी कि 2021 में जो आईटी सेक्टर का रेवेन्यू ग्रोथ था यूएसए में, नॉर्थ अमेरिकन कंपनीज जो है वहां पे जो आईटी सेक्टर में ग्रोथ था वो 17% का था, 2021 में 17% का था, वो घट के 2022 में 8% पे आ गया है। अच्छा और ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2023 तक में वो 5% तक आएगा। तो अच्छा अगर आप पिछले 2-3 साल में आईटी सेक्टर का परफॉर्मेंस देखें ना, तो आईटी सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जिस कारण से अभी जो हमें जो भी शेयर्स मिल रहे हैं वो अपने मतलब मीडियन रेशियो के हिसाब से देखिए तो वो आपको 30 से 50% अपर रेट में मिल रहे हैं। तो अभी आईटी थोड़ा बेयरिश चल रहा है, अभी इन्वेस्ट ना करना सही रहेगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो। और बाकी बहुत सारे छोटे अच्छे सेक्टर हैं जिसमें अभी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जा सकते हैं, फर्मा है एंड पीएसयू बैंक्स अभी बहुत दिन से नहीं चले हैं, उसमें भी हम जा सकते हैं सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब अगर 10 ईयर का नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर वाइज देखें तो आप अगर देखेंगे तो यहीं कहीं पे होगा, ये देखिए पीएसयू बैंकिंग फंड लास्ट 10 सालों में इन्हें 7-8% का रिटर्न दिया है। मतलब ये लगभग गिर रहा है 10 सालों से पीएसयू बैंकिंग। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनता है, जो ना बढ़ा है वहाँ पर बढ़ सकता है। लेकिन सेक्टर फंड्स मैं मना इसलिए कर रहा हूँ आप खुद से ना लें, क्योंकि सेक्टर्स क्या होते हैं ना, कोई कोई सेक्टर 10 साल का 15 साल का साइकिल्स रहता है। अगर 2001 से लेके 2010 तक आप देखते हैं तो सबसे बड़ा बड़ा जो कंपनी था IOC, BPCL, ये सब कंपनियां निफ्टी को मतलब सबसे बड़े स्टेक हुआ करते थे, लेकिन वो बहुत ही छोटे हो गए हैं आज के डेट में। वो ग्रो भी नहीं कर रहे, अभी टेक्नोलॉजी सेक्टर ग्रो कर रहा है। तो सेक्टर सब साइक्लिक होता है, तो आपको अगर बिजनेस साइकिल के बारे में नहीं पता है तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ऐसे सेक्टर फंड्स लेने से पहले एडवाइज़र से ज़रूर बात करें। हाँ, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ऐसा कुछ फंड लेते हो तो अच्छा है, ELSS ले सकते हो, लेकिन ये जो थीमेटिक हो गया या फिर सेक्टर वाइज हो गया ये फंड में हाथ ना लगाएं। अगर लेते हैं तो एडवाइस लेके लीजिए, इसमें एक्सपोनेंशियल अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा पैसा बन सकता है, लेकिन खुद ब खुद नहीं बना सकते हम। ठीक है जी सर, बहुत अच्छा बात आपने बताया कि अगर हमें आइडिया नहीं है तो मार्केट ऐसा चीज है कि बिना नॉलेज के तो इसमें घुसना ही नहीं चाहिए। आपको हमेशा एक एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करना चाहिए, फिर ही आप कोई डिसीजन लें, तो सब सबके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, आप लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में ऐसे में कोई अगर गलती भी करते हो उसका पनिशमेंट ज़्यादा नहीं मिलता। तो इन सारे लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में आप अगर लेते हो बिना पूछे भी तो चलिएगा, लेकिन सेक्टर फंड में या फिर थीमेटिक फंड में आपको मैं 1000 ऐसे बता सकता हूँ जो लोग फंसे। 2008-09 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ चल रहा था, तो जब वो फंड आज तक रिटर्न्स नहीं मिले, अभी तक नेगेटिव में चल रहे हैं। 2017 में जैसे फार्मा गिरा, सॉरी 2014 से गिर रहा था फार्मा, तो तब था फार्मा और आईटी में इन्वेस्ट करने लायक, तो बहुत गिरा था। तो आप अगर लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो अभी मेरे हिसाब से मैं पर्सनली कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट पीएसयू बैंकिंग पे और पीएसयू सेक्टर्स में, हल्का सा छोटा सा अमाउंट कर रहा हूँ। तो वहाँ पे बहुत सारे अच्छे फंड्स हैं, आपको अगर चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर मेंशन है, आप मैसेज कीजिए, मैं आपको पर्सनली मैसेज करूँगा, बात करेंगे। ठीक है, हम तो पर्टिकुलर कोई फंड के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ पे टोटल ओवरऑल बात करेंगे, राइट। जी, करेक्ट सर। सर फिर भी हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप कुछ बता सकते हैं कि अभी अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है 3 to 5 years के स्पैम ऑफ टाइम के लिए, तो कौन सा सेक्टर या कौन सा म्यूचुअल फंड आप सजेस्ट कर सकते हैं? 3 to 5 years के लिए, 5 years के लिए मैं बता रहा हूँ। 5 years में अगर परफॉर्मिंग आप देखें तो टेक्नोलॉजी परफॉर्मिंग कर रहा था। अगर 5 सालों में आप देखें, जो 3 से 5 साल में सबसे तेजी में ग्रो जो किया है वह है, आपको यहाँ पे कहीं पे एनर्जी दिख रहा होगा, रुकिए मैं दिखाता हूँ।
थीमेटिक एनर्जी, एनर्जी फंड्स मुझे अच्छे लग रहे हैं क्योंकि लास्ट 3 सालों में ना 24% ग्रोथ हुआ है, और अगर 10 ईयर्स के हिसाब से देखें तो इनका उतना ग्रोथ नहीं था। टेक्नोलॉजी ने ग्रोथ दिया है, टेक्नोलॉजी ओवरऑल ग्रोथ दे दे के आ रहा था, लेकिन एनर्जी सेक्टर में अभी बूम आया है, तो ये एक लॉन्ग टर्म चलेगा। तो कोई अगर टाटा पावर, रिलायंस पावर खरीदने के लिए डर रहा है तो उसके लिए अच्छा रहेगा कि एनर्जी सेक्टर फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है। मैं अगर PSU बैंकिंग के बारे में बता रहा हूँ, वो सस्ता मिल रहा है, वो वैल्यू इन्वेस्टिंग होगा, लेकिन ये ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, ये बढ़ रहा है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अच्छा भला मुनाफा लेके आप निकल सकते हो। तो 3 साल के लिए मैं एनर्जी सेक्टर फंड के लिए बुलिश हूँ। इसमें से बहुत सारे फंड्स हैं, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कौन सा फंड आपके लिए सही रहेगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर। सर एक छोटा सा डाउट था कि सर ETF ज्यादा बेटर रहेगा या फिर म्यूचुअल फंड ज्यादा बेटर है सेक्टर? हाँ देखिए, म्यूचुअल फंड में आपको कैटेगरीज मिलते हैं, जैसे कि स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, लार्ज कैप, थीमेटिक, सेक्टरल, हाइब्रिड, ठीक है, लेकिन ये सब बनाने के लिए कुछ खर्चा है, एक्सपेंसेस रहता है। ETF में वो एक्सपेंसेस नहीं रहता। अगर देखा जाए ETF पैसिवली मैनेज किया हुआ फंड है, तो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हिस्टोरिकल देखा गया है कि ETF हमेशा आउट परफॉर्मर रहा है म्यूचुअल फंड से, एवरेज अगर देखा जाए। हाँ, कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो ETF को भी क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन आप अगर खुद से कर रहे हैं तो ETF हमेशा फेवरेट होगा, ETF सही रहता है। एक तो इसमें हमें एक्सपेंस रेशियो पे नहीं करना पड़ता है, तो बहुत से जो इन्वेस्टर्स रहते हैं उनका म्यूचुअल एक्सपेंस रेशियो का जो अमाउंट रहता है वो उनका बच जाता है। जी, जनरली आप हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हम वहाँ पे एक्टिव होने से ज़्यादा पैसा बनता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट एक पेड़ की तरह होता है, आप अगर बार बार उसके हाथ लगाओगे शाखाओं को तो वो नहीं बढ़ेगा। उसी तरह जितना पैसिवली कोई चीज़ यहाँ पे मैनेज होता है वहाँ पर ज़्यादा पैसा बनता है, तो इसीलिए ETF का जो रिटर्न है हमेशा आउट परफॉर्मर रहता है। उसी तरह 1 ईयर का परफॉर्मेंस हम अगर देखें तो सबसे बड़ा परफॉर्मेंस दिया है PSU, तो ये क्यों दिया है 1 ईयर में सबसे ज़्यादा रिटर्न, क्योंकि कंटिन्यूसली 10 सालों से गिर रहा था, अभी लोग पैसा प्रॉफिट बुक करके सस्ता मिल रहा है इसलिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं 3 महीने पहले से ही PSU में इन्वेस्ट करना शुरू किया था, मैंने मैडम को भी बताया था कि PSU में कुछ ETF होता है तो खरीद लीजिए, और ये मुझे लग रहा है कि अभी भी अंडर वैल्यू है, यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ठीक है जी सर बहुत अच्छा बात बताए आप। और इसके साथ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप है, 3 कैटेगरीज हैं, लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं कहाँ पे करना चलना सही रहेगा। अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा बकेट मुझे जो अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है वो मिड कैप है, उसमें ज़्यादा रेंज है, बहुत सारे कंपनीज हैं, और वही उसमें से बहुत सारे अपॉर्चुनिटी वाले कंपनी हैं आने वाले समय में, उनके लिए ये जो एनवायरमेंट है इंडिया का वो ग्रोथ पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, तो मिड कैप कंपनीज पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। लेकिन मिड कैप कंपनीज का क्या है ना, आप 1-2 साल के लिए आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप अगर मिड कैप में अच्छा क्रीम लेना चाहते हैं तो मिनिमम 7-8 साल का सोच के इन्वेस्ट कीजिए। अगर उससे कम रेंज में आपको पैसा चाहिए तो आप लार्ज कैप के लिए जा सकते हो, 2-3 सालों में पैसा बनेगा। स्मॉल कैप का भी उसी तरह थोड़ा लंबा ही आपको देखना पड़ेगा। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा आपके लिए कि सर जब हम म्यूचुअल फंड चूज करते हैं तो क्या क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हमें एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए? देखिए, मैं आपको ये टूल बता रहा हूँ, ये टूल बता इसलिए रहा हूँ कि आपको रिटर्न समझ में आए कि कौन सा डाउन है और कौन सा बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरा एनालिसिस टूल है, मैं म्यूचुअल फंड में कौन है मैनेजर उसके ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ, मैनेजर के ऊपर ही मैं पैसा लगाता हूँ। क्योंकि अभी आप SBI म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो, लेट सपोज SBI लार्ज कैप में फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि उसमें जो सिलेक्ट किए हुए लार्ज कैप कंपनीज है उसके फंड मैनेजर में चुने हैं, वो अगर छोड़ के चला जाता है कोटैक सिक्योरिटीज़ को, कोटैक म्यूचुअल फंड को, तो मेरा जो पैसा है वो उसके पीछे ही चला जाएगा कोटैक को। तो सबसे जो पहला है आप किसके ऊपर पैसा लगा रहे हो, फंड मैनेजर, तो इसलिए आप अगर इसके नीचे आओगे तो इन्होंने दिया हुआ है एक जगह है, फैक्ट शीट दिया होगा, ठीक है, मैं एक लिंक भेज दूंगा जहाँ पर आपको एक फैक्ट शीट मिल जाएगा, ये रहा उसका फैक्ट शीट, जहाँ पर अच्छे अच्छे जो फंड मैनेजर्स हैं उनके बारे में लिखा गया है और उनका फोकस क्या है, उनका फिलॉसफी क्या है। ठीक है, इनमें से बहुत सारे, इनमें से 2 लोगों को मैं जानता हूँ, ये इनको तो आप भी जानते होंगे,
इनको तो कौन नहीं जानता सर। रामदेव अग्रवाल जी, इनका बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स हैं एमओ सॉरी मोतीलाल ओसवाल का M100, या फिर मोतीलाल ओसवाल, 100 हाँ M100, और इनका NASDAQ 100 भी एक है पोर्टफोलियो। जी। मतलब आप अगर नैसडेक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो एप्पल और IBM ये सारे कंपनीज पे, तो इनका उन्होंने फंड बना के रखा हुआ है। जी। और ये नॉर्मली किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे किसी ब्रोकर के पास आपको इजीली मिल जाता है। एक MON100 नाम से है और एक जैसा कि आपने बताया नैसडेक करके कुछ है। हाँ, और इन्होंने गोल्ड ETF भी डाला हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे फिलोसफी में इनका QGLP थ्योरी, जो क्वालिटी ग्रोथ जो थ्योरी है वो बहुत अच्छा लगता है। और ये एक हैं तेहर बादशाह, उनके ही उनके साथ ही थे, इनको भी मैं जानता हूँ, इनके ऊपर भी मैं पैसा लगाना पसंद करता हूँ। इनके अलावा विनीत सांबरे हैं, इनका उनका फ़ोटो यहाँ पे नहीं है, लेकिन विनीत सांबरे जी हैं जो हमारे DSP म्यूचुअल फंड के चीफ हैं, उन पे मैं उनके ऊपर पैसा लगाना मुझे पसंद है, क्योंकि वो स्मॉल कैप्स में और मिड कैप में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। तो और अभी बोलिए। ये सर आप जो बोल रहे हैं वो बात सही है, बट सर जो रिटेलर्स रहते हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स, जो न्यू बिगनर्स रहते हैं, उनको इतना ज्यादा पता नहीं रहता है कि कौन से पोर्टफोलियो मैनेजर का कितना योगदान रहा है मार्केट में, किनका अच्छा एक्सपीरियंस है। तो जो वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर इतना टाइम नहीं है आपके पास, देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स लिखा है कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या उनका थॉट आपके थॉट के साथ प्रोसेस के साथ मिल रहा है। वो सोच रहे हैं कि ये वाला सेक्टर बढ़ेगा और ऐसे कंपनी ग्रो करेंगे, यहाँ पे सारे डिटेल्स लिखे हैं। तो उनके साथ आप हो तो उनके साथ इन्वेस्ट करो, उनका पास्ट रिकॉर्ड देखो कितना कैसे उन्होंने रिटर्न्स दिया है। तो आप रिटेल इन्वेस्टर हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आप ऐसे कुछ ही चीज़ें देख के इन्वेस्ट कर लो, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए तो एडवाइज़र जो हैं वो आपको चार्ज करते हैं, वो मेहनत करते हैं और देखते हैं कि कौन सा परफॉर्म कर रहा है कौन सा नहीं। पास्ट रिटर्न से आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा वाला आगे जाके इन्वेस्ट मतलब रिटर्न्स देगा। परफॉर्म करने वाला है। हाँ, मैंने जैसे बताया कि PSU परफॉर्म नहीं कर रहा था इसलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, इसका मतलब ये नहीं कि 5 साल में ये रिटर्न्स दे देगा। मैंने अंडर वैल्यू है तो इन्वेस्ट किया है, जब देगा तो देगा, ठीक है। जी सर लेकिन करेक्ट। मेरा कौन सा कौन सा देगा मुझे पता है, क्योंकि वो फंड मैनेजर अलग हैं, उनका पोर्टफोलियो अलग है, उनके पोर्टफोलियो पे मैं बुलिश हूँ। उनके पोर्टफोलियो में जो जो कंपनीज पे वो मतलब ज़्यादा स्टेक लिए हुए हैं वो मुझे पसंद है, और इकोनॉमी के साथ ग्रो कर रहे हैं तो ओबियसली पैसा बनेगा वहाँ पे, ठीक है। जी सर थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे से, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप हम लोग को बताएं कि कैसे हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे चूज किया जाए। जिनको ज्यादा पता नहीं है पोर्टफोलियो मैनेजर्स के बारे में, वो चाहे तो ये वैल्यू रिसर्च से जान सकते हैं। नीचे हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, आप वहां से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि आपको किस में कब इन्वेस्ट करना चाहिए। जी, मैं अगर किस में इन्वेस्ट करना चाहूँगा तो पहले रिटर्न वाइज देखता हूँ कि कौन सा ग्रो कर रहा है, तो वो ग्रोथ वाले फंड्स मेरे हाथ में आ जाते हैं। उसमें से मेरा फंड मैनेजर फेवरेट कोई है क्या, तो वो गया मेरा म्यूचुअल फंड। उसी तरह नीचे अगर गिर रहा है कोई सेक्टर, वहाँ पर कहाँ पे वैल्यू बन सकता है उसका थोड़ा पास्ट रिकॉर्ड देखता हूँ। ये जो टूल्स बनाए हुए हैं ये आपके लिए बनाए गए हैं कि आप आराम से देख सको कौन परफॉर्म कर रहा है कौन नहीं, लेकिन ये टूल से प्रोफेशनल्स यूज़ नहीं करते आने वाले समय में ज़्यादा रिटर्न्स किस में बनेगा, ठीक है। तो आप मतलब इन्वेस्टमेंट ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन वो इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने से आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन लोग क्या करते हैं स्मार्टफोन में सर्च करते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो सकते, लंबा है प्रोसेस जो लोगों को बोरिंग लग रहा है। इसीलिए ऐसे वाले टूल्स बनाते हैं जिससे थोड़ा लोगों को लगे कि नहीं अच्छा है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि हाँ ये 20% रिटर्न दिया है 1 साल में, तो आने वाले ये 50% रिटर्न दिया है तो आने वाले साल में भी 50% दे देगा। ये गलत है, नहीं देगा, ऐसा आपका सोचना है, कभी नहीं मिलेगा, ऐसा ही होता है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आपको अगर नॉलेज है तो इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो बहुत सारे एडवाइज़र हैं आपके आसपास भी एडवाइज़र हैं, नहीं है तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हम सिर्फ आपको एडवाइस नहीं करेंगे उसके पीछे बताएंगे कि क्या वजह है कि ये फंड आगे बढ़ेगा, ठीक है। जी। सर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच मैडम, इतना ही या और कुछ डिस्कस करें म्यूचुअल फंड के बारे में?
सर मेरे ख्याल से बेसिक नॉलेज के लिए ये बात ये इतना काफी है, लोगों को समझ में आया होगा कैसे कहाँ से इन्वेस्ट करना है। सही है। आप कुछ एक्स्ट्रा अगर एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम सर। हाँ, एडिशनल नॉलेज ये रहेगा, हम यहाँ पे बात कर रहे थे सारे इक्विटी फंड के बारे में, लेकिन म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स के भी होते हैं और बैलेंस फंड के भी होते हैं, तो वहाँ पर भी छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज जनरेट होते हैं, उसके ऊपर भी फोकस किया जा सकता है। तो म्यूचुअल फंड एक वास्ट एरिया है, तकरीबन 2,500 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं, तो सारे कवर आपको तो मैं वीडियो में नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस के सवाल के जो जवाब हैं हम दे सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस आपके अंदर अराइज हो रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिए, हम वीडियो में उसके ऊपर बात ज़रूर करेंगे। ठीक है मैडम, जी 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 सर, ओके, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए जी इतना ही। म्यूचुअल फंड में सर, थैंक लाइक यू करें, सो मच सर। सब्सक्राइब आप करें। बहुत अच्छे से मतलब कि सबको समझाए कि कैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि लोगों के मन में ना सब बहुत सारा क्वेश्चन अराइज होता है कि कब इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है। बहुत लोगों को पता रहता है कि SIP होता है, लमसम होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो लोगों को पता नहीं रहता, किसको क्या करना चाहिए वो लोगों को पता नहीं रहता। नहीं, लोग तो बहुत इंटरेस्टेड हैं, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि SIP क्या होता है और म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो इतना भी लोगों को भी समझाना पड़ता है, और समझाना हमारा भी मतलब ये जी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कुछ नहीं, मैडम भी बहुत ही हार्डवर्क कर रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ला रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट ला रहे हैं जो डिस्कस करने के लिए। तो मैडम के लिए ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दोस्तों का भी क्वेश्चंस हैं तो वो पूछने के लिए झिझक रहे हैं तो आप उनके बिहाफ में भी कमेंट में क्वेश्चंस कर सकते हैं, हम उसको भी कवर करेंगे। ठीक है मैडम, जी जी सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।